हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर में एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 10.4 को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग सारा थ्योरी पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल्स बना चुके हैं। होप कि एक्सरसाइज 10.4 का सारा सवाल मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ही सिलेक्टेड सवाल में बताऊंगा और जो सवाल जिस टाइप का सवाल मैं एग्जाम्पल्स में बता दिया हूं उसको मैं छोड़ दूंगा। फिर भी इसी लेक्चर के लास्ट में आपको एक्सरसाइज 10.4 का हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा हैंड रिटेन, समझ गए। जो आप बना सकते हैं उसको भी मैं सॉल्यूशन के लास्ट में शेयर कर दूंगा ताकि आपका नोट्स कंप्लीट हो जाए, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग शुरू हो जाते हैं एक्सरसाइज 10.4। आप लोग अपना एनसीईआरटी के बुक निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 10.4 देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर वन तो बताया ना जी। क्वेश्चन नंबर वन ये किसके जैसा बनेगा? एग्जाम्पल कौन सा जी? 22 क्या? देखो तो कौन सा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल 22 के जैसा बनेगा। फिर भी इसका सॉल्यूशन मैं शेयर करूंगा, हालांकि बनेगा 22 के जैसा, फिर भी इसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक, एग्जाम्पल दो, ये क्वेश्चन दो बोलो जी, किसके जैसा बनेगा? 23 नंबर। किसके जैसा? 23 बताए थे कल। यस, हाँ 23 के जैसा बनेगा। पिछले क्लास में मैं इसको बता चुका हूं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। इफ ए यूनिट वेक्टर ए मैक्स एंगल पाई बाय 3 विथ आई पाई बाय 4 विथ जे एंड एक्यूट एंगल थीटा विथ के देन फाइंड थीटा एंड हेंस दी कंपोनेंट्स ऑफ ए। चलो हिंदी पढ़ो जी, क्या है? यदि एक आदमी पढ़ो, सचिन तू पढ़ो। यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए कोमा आई कैप के साथ पाई बाय 3 कोमा जे कैप के साथ पाई बाय 4 और के कैप के साथ न्यून कोण थीटा बनता है। आप लोगों को लिखते भी जाना है, थीटा बनता है। तो थीटा का मान क्या कीजिए? थीटा का मान याद कीजिए
ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से। और दिख रहा है हाँ, इसके सहायता से, सहायता से वेक्टर ए के घटक, वेक्टर ए के घटक घटक ये ज्ञात कीजिए, भी ज्ञात कीजिए, भी ज्ञात कीजिए। ये आपका है क्वेश्चन जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है क्योंकि एक ही बोर्ड पे मैं बताऊंगा, लाइव क्लास है, इसको मैं मिटा मिटा कर बताऊंगा, इसीलिए आपको लिखते जाना है। और यदि मान लीजिए कि आपके पास बुक है तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपको उतारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए क्या कहता है, देखिए बाबू कहता क्या है कि एक जो है ना, एक यूनिट वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश है, कौन सा, ए, ए आपका क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो कि आई के साथ कितने का कोण बनाता है, पाई बाय थ्री, जे के साथ में कितने का, पाई बाय फोर, और के साथ में किसने का कोण बनता है, थीटा का, के साथ में कितने का कोण बनता है, थीटा का, समझे। तो कहता है कि थीटा का मान निकाले और कंपोनेंट ऑफ ए, ए का कंपोनेंट इसमें निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए तो इस तरह से, देखिए तो एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कितना होता है, आई, वाई एक्सिस के अलोंग जे, और जेड एक्सिस के अलोंग क्या होता है, के, जेड एक्सिस के अलोंग क्या होता है, तो के होता है, समझे, के होता है, ठीक। क्या कहता है कि एक आपका यूनिट वेक्टर है, वो यूनिट वेक्टर क्या है, ए, यूनिट वेक्टर क्या है, ए है, ये आई के साथ में कितने का कोण बना रहा है, पाई बाय फोर, नहीं पाई बाय थ्री, कितने का कोण बना रहा है, पाई बाय थ्री का, कितने का, पाई बाय थ्री का, इसको हम लोग अल्फा बोल लेते हैं, क्या बोल लेते हैं, अल्फा, जे के साथ में कितने का कोण बना रहा है, पाई बाय फोर का, जे के साथ में कितने का कोण बन रहा है, पाई बाय फोर, पाई बाय फोर, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, बीटा, समझ गए, क्या ले लिए, बीटा, और जेड एक्सिस यानी कि के साथ में कितने का कोण बन रहा है, गामा यानी कि थीटा का, बोल रहा है ना, थीटा का कोण बन रहा है, कितने का कोण बन रहा है, थीटा, और इस चीज को हम लोग क्या मान लिए, गामा, क्या मान लिए, गामा, ठीक। और हम लोग जानते हैं यदि कोई वेक्टर, यदि कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा कोण बनाता है, जेड एक्सिस के साथ गामा कोण बनाता है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इसका डायरेक्शन कोसाइन्स कहलाता है, क्या कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि एल बराबर हो जाता है कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, और n बराबर कितना हो जाएगा, cos गामा, इसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं, समझ गए, दिक्कोज्य कहते हैं, क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। यहां पर देखिए तो cos अल्फा यानी कि cos पाई बाय 3, और cos पाई बाय 3 किसके बराबर होता है, 1/6, cos पाई बाय 3 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर, ठीक है। cos बीटा, बीटा कितना है, पाई बाय 4 यानी कि 1/√2, और कॉस गामा, गामा किसके बराबर है, थीटा के बराबर है, किसके बराबर है, थीटा के बराबर, ठीक, वेरी गुड, देयर इज नो दिक्कत। और हम लोग जानते हैं, वी नो, क्या जानते हैं, कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1, ये चीज मैं आपको शुरुआती दौर में ही बताया था, समझ गए,
जब पहला या दूसरा वीडियो देखिएगा उसमें मैं आपको इस चीज को बता दिया था कि एल एम एन आपका डायरेक्शन कोसाइंस होता है, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर वन हो जाता है। तो एल देखिए तो कितना है, एल है वन बाय टू, वन बाय टू का स्क्वायर। एम क्या है, वन बाय टू का स्क्वायर। और एन तो नहीं मालूम है तो इसको रहने दीजिए, एन स्क्वायर बराबर कितना हो गया वन, समझ गए कितना हो गया, तो ये आपका हो गया वन। आई थिंक यहां तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्यारे बच्चों एक बटे चार ये हो गया आपका वन बाय फोर, प्लस कितना जो वन बाय टू प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना हो गया बाबू, बराबर वन। यानी कि आपका एन स्क्वायर बराबर वन माइनस, इसको उधर भेज दीजिए, एक बटे चार माइनस एक बटे दो। हाँ, और यदि इसका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा चार, तो फोर माइनस वन माइनस टू। हाँ यानी फोर माइनस वन माइनस टू, कहने का मतलब है कि एन स्क्वायर बराबर एक बटे चार, यानी कि एन बराबर एक बटे दो। हालांकि प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन माइनस हम लोग इसलिए भी नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, कहीं लिखा था ना एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है ना, न्यून कोण में आप यहाँ पे माइनस नहीं ले सकते हैं। यदि सिर्फ एंगल पूछता ना तो हम लोग माइनस ले लेते हैं, लेकिन न्यून कोण एक्यूट एंगल है, यहाँ पे माइनस लेने की जरूरत नहीं है। प्यारे बच्चों एन का मतलब कितना हो गया, कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू वन बाय टू, तो थीटा बराबर कितना डिग्री जी, पाई बाय थ्री, 60 डिग्री, यानी कि पाई बाय थ्री। ठीक है, एक चीज हम लोग लिख लिया, एक चीज हम लोग क्या किए, तो एक चीज हम लोग लिख लिए, देयर इज नो दिक्कत, यानी कि कोई परेशानी नहीं है। आप देखो नुनू, एक चीज तो पूछ रहा था ना, और ए का कंपोनेंट पूछ रहा है, वेक्टर ए का कंपोनेंट। अब देखो एक आंसर हो गया, अब वेक्टर ए बराबर क्या होता है, वेक्टर ए बराबर आपका हो जाएगा एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। देखिएगा शुरुआती दौर में मैं आपको बताया था कि यदि एल एम एन आपका डायरेक्शन कोसाइंस है, एल एम एन यदि आपका डायरेक्शन कोसाइंस है, तो एल आई प्लस एम जे प्लस एन के आपका एक यूनिट वेक्टर देता है। क्या देता है, यूनिट वेक्टर, यानी कि ये आपका यूनिट वेक्टर है। और यहाँ पे स्पष्ट शुरू में ही लिखा हुआ है कि ये आपका कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, ये पहले ही लिखा हुआ कि ये आपका यूनिट वेक्टर है। तो अब लिख दिए, देखिए तो अब ए बराबर आप क्या लिखेगा नूनू, एल के जगह पे क्या लिखेगा, वन बाय टू, यानी कि वन बाय टू आई बाबू रे, एम के जगह पे वन बाय रूट टू जे, वन बाय रूट टू जे, और एन आप निकाले ना यहाँ पर वन बाय टू के। इस प्रकार से हम लोग वेक्टर को लिख दिए, लेकिन इसका कंपोनेंट पूछ रहा है, वेक्टर नहीं पूछ रहा है, कंपोनेंट। तो लिखिएगा देयर फोर स्केलर कंपोनेंट्स आर, स्केलर कंपोनेंट हिंदी में अदिश, अदिश नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, अदिश, अदिश घटक, अदिश घटक। देखो ना आई जे के को छोड़ के लिखना है, यानी कि एक बटे दो कोमा देकर एक बटे रूट टू और एक बटे क्या हो गया दो, ये स्केलर कंपोनेंट हुआ, ये क्या हो गया स्केलर कंपोनेंट। और यदि वेक्टर कंपोनेंट लिखना है ना, यहां पर लिख देता हूं वेक्टर कंपोनेंट कैसे लिखिएगा, फिर यहां पर लिखिएगा वेक्टर कंपोनेंट आर, यानी कि सदिश घटक, उसमें आई जे के भी आपको लेना पड़ेगा, यानी कि वन बाय टू आई। आंसर देखो जी, कुमा देकर वन बाय रूट टू जे, कोमा देकर वन बाय रूट टू के, नहीं वन बाय टू के, वन बाय टू के, समझ गए।
वन बाय नहीं दिखा यहाँ पर, नीचे लिख देते हैं वन बाय टू के, समझ गए प्यारे बच्चों? ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और सुधार लेता हूँ, उधर दिख जाएगा। चलिए अब दिख गया होगा, हाँ अब दिख गया होगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर है? दोनों है क्या अलग अलग है, बोलो तो? अच्छा ठीक है, स्केलर कंपोनेंट में वो स्केलर कंपोनेंट दिया हुआ है। ठीक, चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए आप लोग, मैं क्वेश्चन तब तक मिटाता हूँ। चलो चार नंबर बता देते हैं, फोर, सो डेट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस Twice of A cross B. Solution. Solution. उतार लिया जी, सबका हो गया? तेजी से लिखो ना, तेजी से। स्पीड बरकरार रहनी चाहिए। कल से 11 का बैच चालू है यहाँ पर, समय कितने बजे से? शाम को, पहला बैच शाम को 4 से 5। कल जो पहला क्लास होगा यहाँ पर कितने बजे से होगा? शाम को, वो जोर से बोलो कितने बजे से? शाम को 4 से 5। ठीक है, शाम को 4 से 5 क्लास 11 का। अच्छा, जो भी है, जिसका भी यार मित्र है, भाई बंधु है, वो कितने बजे भेजेगा? शाम को 4 से 5 क्लास 11 का। चलो जी, हो गया, आइए इसको बनाते हैं। बाबू रे, LHS बोलिए तो कितना है? LHS बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अक्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, आइए इसको तोड़िए। कैसे तोड़िएगा ए बाबू? ए को ए से, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, ए को बी से, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, बी को ए से, माइनस बी क्रॉस वेक्टर ए, बी को बी से, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, देयर इज नो दिक्कत एंड देयर इज नो परेशानी। अब आइए यहाँ पर देखे, नुनु एक बात बताओ बेटा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए किसके बराबर होता है? जल्द जोर से बोलो, किसके बराबर? जीरो वेक्टर। बताए थे इसका प्रॉपर्टीज? इसके प्रॉपर्टीज में बताए थे किसके बराबर होता है? जीरो वेक्टर। ऐसे भी यदि कंफ्यूज हो जाए ना, हालांकि डॉट में जीरो नहीं होता, क्रॉस में जीरो हो जाता है, यदि कंफ्यूजन हो जाए तो मैं बता देता हूं, क्योंकि यहां पर तो एंगल थीटा बनेगा ना, थीटा बराबर जीरो डिग्री हो जाएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट में तो साइन होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? साइन, और साइन जीरो डिग्री कितना? जीरो, सबको ये जीरो कर देगा, इसीलिए ये हुआ। और एक चीज हम लोग जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में दाएं का बाएं लिखिएगा ना, माइनस का फर्क पड़ जाएगा। किसका फर्क पड़ेगा? माइनस का, जबकि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में आजू का बाजू कीजिएगा तो माइनस का फर्क पड़ जाता है। अब ध्यान से देखिए बाबू रे, ध्यान से देखिए, ये किसके बराबर हो गया? जीरो वेक्टर। इसको लिख दीजिए,
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, नूनू ये माइनस के ए रे बोल रहे तो है माइनस बी क्रॉस ए किसके बराबर थी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी किसके बराबर, प्लस ए क्रॉस बी, प्लस ए क्रॉस बी और ये किसके बराबर थी, जीरो वेक्टर, किसके बराबर, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर से तो काम है नहीं, मतलब है नहीं, तो ये कितना बार आ गया देखो तो दो बार, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी बराबर कितना हो गया आर एच एस, यानी कि समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, आज आपका पूरा एक्सरसाइज ही खत्म हो जाएगा, तब मिसलिनियस में बचेगा, यानी कि वेक्टर आज तो आपका खत्म ही ना हो गया जी, मिसलिनियस दो दिन हाँ, इसके बाद 3D स्टार्ट करेंगे। केसी सिन्हा से एक दिन क्लास लेंगे। पांच नंबर देखिए क्या है, क्वेश्चन 5, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ इफ 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू k बराबर कितना है, जीरो वेक्टर, कितना है ननु, जीरो वेक्टर। और इस चीज को हम लोगों को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना हम लोगों को, लैम्डा और म्यू, क्या निकालना है बाबू, लैम्डा और म्यू, ठीक। अच्छा ये तो क्रॉस में है ना, ये किस रूप में लिखा हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट में, किस रूप में लिखा हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट में। और आपको पिछले क्लास में बताए थे क्रॉस प्रोडक्ट में लिखने का तरीका, को कैसे लिखते हैं, डिटरमिनेंट में लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं बाबू, डिटरमिनेंट में, पहले क्या लिखेगा, आई जे के, आई जे के लिख दिए। अब पहला वेक्टर में आई जे के का कंपोनेंट ले लीजिए, आई के बाजू में कितना है, दो, जे के बाजू में 6, के बाजू में 27, यहां बताओ आई के बाजू में 1, जे के बाजू में लेमडा और के बाजू में म्यू, बराबर कितना हो गया, जीरो वेक्टर। आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है, समझ गए, आप लोगों को मेरे साथ लिखते भी जाना है। चलो ये जी इसको तोड़ के बता लो, बोलो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस आई ना जी, रो और कॉलम खत्म, 6 लेमडा 27 म्यू, माइनस जे, रो और कॉलम खत्म, 2127 म्यू, प्लस के, रो और कॉलम खत्म, रो और कॉलम खत्म, 216 लैम्डा, 216 लैम्डा, बाजू में क्या हो गया, जीरो वेक्टर, बाजू में क्या हो गया, तो बाजू में हो गया जीरो वेक्टर। अब देखिए तो इसको तोड़िए तो ये गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आई 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे 2 म्यू माइनस 27 प्लस के 2 लैम्डा माइनस 6, बाजू में कितना हो गया, जीरो, बाजू में कितना, जीरो। अब देखिए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा आई प्लस दे दो, माइनस अंदर घुसा दो, समझ गए, यहां से माइनस को क्या करना है, अंदर घुसा दो, कितना हो जाएगा, माइनस 2 म्यू प्लस 27 जे, होगा कि नहीं जी, माइनस अंदर घुसा दिया तो प्लस क्या बन गया, बोलो माइनस, प्लस क्या बन गया, माइनस, और माइनस क्या बन गया, प्लस। फिर यहां पे देखो क्या होगा कि 2 लैम्डा माइनस 6, उधर जीरो वेक्टर है ना, जीरो वेक्टर है
इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, बोलो हाँ या नहीं? Yes, ऐसा लिख सकते हैं? देयर इज दिक्कत कि देयर इज नो दिक्कत? देयर इज नो दिक्कत बाबू रे। आई के बाजू वाले को बराबर कीजिए, जे के बाजू वाले को बराबर कीजिए और के बाजू वाले को बराबर कीजिए। देखिए आई के बाजू में कितना है, 6 μ - 27λ -27λ उन्हें कितना है जी, उन्हें जीरो। इसको एक मान लो ठीक, जे के बाजू में बोलो या एक छोड़ो ना, एक बाद में देखेंगे। ये बताओ कितना, -2μ + 27 उधर कितना है जी, जीरो। और बोलो क्या है, 2λ - 6 उधर क्या है, जीरो। अच्छा नोनो, यहाँ से तो लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा ना, यहाँ से म्यू का वैल्यू मिलेगा। yes, तो बताओ तो 2μ = 27 यानी कि म्यू बराबर कितना हो गया, 27/2। म्यू बराबर क्या हो गया, 27/2। हाँ या नहीं जी, कोई दिक्कत किसी को? ठीक, यहाँ से नोनो कितना हो जाएगा लेमडा का आंसर, देखो जी कितना, लेमडा बराबर 6, तो लेमडा बराबर कितना हो गया, म्यू बराबर 27/2, लेमडा बराबर 3, आंसर मिला है। यस सर। चलो ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग, कोई दिक्कत समस्या है तो पूछिए, लाइव क्लास है, आप लोग कमेंट करके पूछिए, कोई भी समस्या है तो बता देंगे। फटाफट नोट कीजिए, कितना कोई बड़ा थोड़े है, 18 क्वेश्चन है, सब बताएंगे क्या, जो एग्जाम्पल के जैसा बनेगा। इसी वीडियो के लास्ट में आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा, चाहे मैं बताया हूँ वो भी, नहीं बताया हूँ वो भी, सबका मिल जाएगा। मैं आप लोगों को भी बोल रहा बाबू, जो लड़का जो है ना किधर बीच में एब्सेंट क्या है, नहीं क्लास देखा हुआ था, उसको सोल्यूशन चाहिए तो ये वीडियो का देख लेना। हाँ, लास्ट में जो है कि हर एक का सोल्यूशन मिलेगा मेरे हैंड रिटन नोट से। इसमें क्या है, छुट्टी में यही मेहनत किया था, एक जोर से सब बना लिया। 6 नंबर क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6, given that वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0 एंड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर 0 वेक्टर, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए एंड बी। चलो हिंदी पढ़ो तो क्या है, दिया हुआ है कि ए डॉट बी बराबर, अरे दोनों चुप हो गया, बोलता है तो दोनों बोलता है, और सचिन को बोलने दो ए क्रॉस बी बराबर, हाँ सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर, सदिश ए तथा बी के बारे में, के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, आप क्या निष्कर्ष
निकाल सकते हैं। चले वेरी गुड, देर इज नो दिक्कत। चलिए सर मिटाते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। देखिए क्वेश्चन समझते हैं, हाँ इधर देखो बाबू, क्वेश्चन समझते हैं क्या बोल रहा है। क्या दिया हुआ है मीनू, क्या दिया हुआ है? a डॉट b बराबर 0। देखे बाबू रे, a डॉट b बराबर 0 एंड a क्रॉस b बराबर क्या है 0। ऑब्वियस सी बात है, ये इसमें एरो नहीं होगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट प्रोडक्ट में आपका तो स्केलर क्वांटिटी मिलता है और ये क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पर आपको वेक्टर 0 मिलेगा। ठीक है, देयर इज नो दिक्कत। अब क्या कहता है, ये तो दिया हुआ है, कहता है कि सदिश ए और सदिश बी, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आइए क्या कह सकते हैं हम लोग देखते हैं। अच्छा ननु, हम लोग थ्योरी पढ़े थे कि यदि a डॉट b 0 के बराबर हो जाए, यदि a डॉट b 0 के बराबर हो जाए तो इंप्लाइज आइदर a इक्वल टू 0 वेक्टर हो जाएगा, समझ गए, और b इक्वल टू 0 वेक्टर और a इज लंब टू b, a इज परपेंडिकुलर टू b, यही तीन कंडीशन हो सकता है। a डॉट b 0 है ना बाबू, बोलो a डॉट b 0 है तो तीन कंडीशन हो सकता है, या तो a 0 वेक्टर के बराबर होगा, या फिर b 0 के वेक्टर के बराबर होगा, या दोनों वेक्टर एक दूसरे पर लंब होगा यानी कि परपेंडिकुलर होगा। ये हम लोग थ्योरी पढ़े, चलिए वेरी गुड, देयर इज नो दिक्कत। अच्छा a क्रॉस b यदि 0 हो जाए तब क्या होता है, इसमें भी वही होता है, इंप्लाइज आइदर वेक्टर a बराबर 0 वेक्टर और वेक्टर b बराबर 0 वेक्टर और वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b, वेक्टर a वेक्टर b का क्या हो जाएगा, पैरेलल, क्या हो जाएगा जी, पैरेलल, ए बंद करने, क्या हो जाएगा, पैरेलल, यानी कि a क्रॉस b यदि आपका 0 है, या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा या फिर a और b क्या हो जाएगा, पैरेलल। अब एक गड़बड़ ये हो गया कि यहाँ पर आप कहते हैं लंब है, a और b आप कहते हैं लंब है यानी कि परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर आप कहते हैं कि a और b पैरेलल यानी कि समांतर है, क्या दोनों एक साथ संभव है? कोई रेखाएं, कोई दो रेखाएं यदि लंब होगी तो समांतर नहीं हो सकती है, हाँ यदि लंब होगी तो समांतर नहीं हो सकती यानी कि परपेंडिकुलर होगा तो पैरेलल नहीं हो सकता है, या यदि पैरेलल होगा तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, यानी कि ये दोनों एक साथ संभव नहीं है। लिखिएगा हेयर, हेयर ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड ए इज पैरेलल टू बी इज नॉट पॉसिबल एट द टाइम, एट द टाइम, यानी कि यहां ए बी पे लंब तथा ए बी के समांतर एक साथ संभव नहीं, एक साथ संभव नहीं है। तो संभव क्या हो सकता है, या तो a 0 के बराबर होगा या फिर b 0 के बराबर होगा। जब ये दोनों रिजल्ट नहीं हो सकता है तो क्या रिजल्ट हो सकता है जी, या तो a 0 के बराबर होगा या फिर b 0 के बराबर होगा। लिखिएगा therefore आइदर a वेक्टर 0 के बराबर होगा और वेक्टर b आपका 0 के बराबर, और यही आपका हो गया आंसर, समझ गए, यही आपका हो गया आंसर। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया, तो
होगा। ए आंसर देखो क्या है जी, आंसर देखो क्या है, क्या जी या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर 0 या वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर, बताइए क्यों हुआ, बोलो कैसे। जब वेक्टर ए 0 है तो 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 0, वो भी लिख सकते हैं। ठीक, हम वही कर देते हैं, दैट इज वो भी कर देते हैं, आइदर ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर 0 या बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर 0 के बराबर, क्योंकि 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 0 होता है, इसी चले। वेरी गुड, 7 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, लेट द वेक्टर्स, ये एक्चुअल में जानते हैं क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। नहीं किए थे, हम बोले थे कि बाद में प्रूव करेंगे, याद कीजिए, बोले थे ना, क्या बोले थे कि बाद में हम आपको लोगों को बताएंगे। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक, यानी कि बंटन नियम, बंटन नियम या वितरण नियम, बंटन नियम या वितरण नियम है। लेट वेक्टर, लेट दी वेक्टर्स, लेट दी वेक्टर्स A, B, C, D, given as A1i plus A2j plus A3k, B1i plus B2j plus B3k, comma देकर C1i plus C2j plus C3k, then show that, then show that A cross vector B plus vector C equal to vector A cross vector B plus vector A cross vector C। हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए, ये हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे, समझे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका कौन सा नियम है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए बाबू क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी तीन वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, तीन वेक्टर दिया हुआ है, समझे, ए बी सी तीन वेक्टर, बताइए तो ए कितना दिया हुआ है, ए कितना है जी, A1i plus A2j plus A3k, A है A1i plus A2j plus A3k, B बताओ दोनों कितना है, B1i plus B2j plus B3k, C बताओ कितना है, C है C1i plus C2j plus C3k, समझ गए, इतना हम लोग दिया हुआ है। तब हम लोगों को A क्रॉस B प्लस C बराबर दिखाना है, क्या दिखाना है, A क्रॉस B प्लस C, आइए दिखाते हैं हम इसको, इसको सॉल्व किया जाए। आज हम लोगों को जाना है भीख मांगने जी, हो जाएगा बच्चा लोग, ए भीख मांगने आ जाएंगे हम मनाली होटल के पास, सब मास्टर्स आएंगे, सबका हाथ में थैला रहेगा, आप लोग भी आइएगा, आप लोगों को भीख नहीं मांगना है, भीख देना है, समझे, भीख मांगना नहीं आप लोगों को, आप लोगों को क्या करना है, अरे सरकार ये जो है कि 8 महीना से हम लोग प्राइवेट टीचर बैठले न है, एक को टका की इनकम नहीं हो रही है, तो लोग क्या करेगा, भीख मांगेगा,
कहता है कि स्कूल खोल देंगे लेकिन प्राइवेट कोचिंग नहीं खोलेंगे, लिखा है ना अगले आदेश तक प्राइवेट कोचिंग बंद रहेंगे। हम लोग भीख मांगेंगे, भीख मांग के खाएंगे और क्या करेंगे। तो मनाली चौक पे आना है भीख मांगने के लिए नहीं, आप लोगों को भीख देने के लिए आए आना है। हम लोग भीख मांगेंगे कटोरा खाली, यानी जो चॉकलेट वाला नहीं है, चॉकलेट वाला वो जो डब्बा होता है वही लेकर जाएंगे। पटना में तो बजाया था, अच्छा हम लोग मन होगा तो बजा लेंगे क्या। ऐ सुनो जी, सबसे पहले बी प्लस सी निकालना पड़ेगा ना, पहले वही बोलो पहले क्या निकालना पड़ेगा, बी प्लस सी। ऐ नुनू बोलो तो बी प्लस सी किसके बराबर होगा जी, ए फटाफट बोलो बी प्लस सी किसके बराबर होगा। बी वन प्लस क्यू वन आई के बराबर, हाँ या नहीं बोलो। आई वाला किसके साथ जुटेगा, आई के साथ। जे वाला किसके साथ जुटेगा, जे के साथ। और के वाला किसके साथ जुटेगा, के के साथ। यानी कि ये हो जाएगा आपका B2 प्लस C2 J और B3 प्लस C3 J, समझ गए। इस प्रकार से हम लोग A, हम A नहीं बल्कि B प्लस C निकाले। क्या निकाले जी, B प्लस C। क्या निकाले बाबू, B प्लस C। अब देखें तो क्या LHS बराबर क्या है, LHS बराबर है A क्रॉस B प्लस C। क्या है जी, ए क्रॉस बी प्लस सी। देखिए बी प्लस सी को आप अजूबा मत समझिए, समझिए कि अकेले है। क्या समझिएगा, अकेला। तो क्रॉस प्रोडक्ट लिखने का क्या तरीका होता है, क्रॉस प्रोडक्ट लिखने का तरीका आई जे के, हाँ या नहीं बोलो। हाँ होता है ना, आई जे के। पहला का कंपोनेंट पहले लिखते हैं, पहले किसका कंपोनेंट लिखेंगे, ए का। किसका लिखेंगे, ए का। बताओ ए का कितना है, बोलो ए वन ए टू ए थ्री। कितना है जी, ए वन ए टू ए थ्री, चलो ठीक। अब इसका कंपोनेंट लिखा है ये वाले का, बताओ इसका कंपोनेंट कितना है, बी वन प्लस सी वन, बी टू प्लस सी टू, बी थ्री प्लस सी थ्री। यानी कि बी वन प्लस सी वन, बी टू प्लस सी टू, बी थ्री प्लस सी थ्री, ठीक इतना हो गया। अच्छा बाबू एक चीज बताइए कि डिटरमिनेंट हम लोग पढ़े थे, तो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे नहीं जी, बोलो। डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज पढ़े थे, उसमें जब कोई रो या कॉलम में दो सदस्यों का जोड़ होता था तो डिटरमिनेंट कितने में भागता था, कितने में बढ़ जाता था, याद आ रहा, याद आ रहा। डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज बताए थे ना, तो इसको दो भाग में बांटो। कैसे बच्चा का, इधर देखो बोलो, आई ए वन पहला लिखना है, पहला कितना बी वन, फिर बोलो जे ए टू पहला लिखना है, कितना जी बी टू, फिर कितना के ए थ्री, फिर कितना जी बी थ्री। एगो खत्म हो गया, एगो खत्म। अब फिर देखो यहाँ पर क्या होगा, बताओ जी फिर से लिखो, बोलो आई ए वन सी वन, जे बोलो साहब ए टू सी टू, के ए थ्री सी थ्री। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ये किसका प्रॉपर्टी से, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी से। अब बाबू, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ए क्रॉस बी लिख सकते हैं ना, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी। और बोलो इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी। इसको क्या लिख सकते हैं, पहले ए ए ए वाला है ना, ए वाला कौन सा वेक्टर, ए, और सी वाला कौन सा वेक्टर, सी। यहाँ ए वाला कौन सा वेक्टर, ए, और बी वाला कौन सा वेक्टर, बी। कहने का मतलब दैट इज ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर हो गया ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। और इस प्रकार से ये भाई साहब सिद्ध हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम लोग सिद्ध कर लिए। चलिए फटाफट लिखिए, आप अभी यही पे लिख रहा है,
क्यों? तब तो छूट जाएगा, ऐसे कहने से छूट जाएगा। क्वेश्चन नहीं उतारो, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन उतारे क्या हमने? क्वेश्चन तो बुक है ना जी, क्वेश्चन उतारने पे टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन मत उतारो। आठ नंबर क्वेश्चन, ये फाइदर A इक्वल टू जीरो वेक्टर और B इक्वल टू जीरो वेक्टर, देन वेक्टर A क्रॉस B बराबर जीरो इज द कन्वर्स ट्रू, justify your answer, justify your answer, with an example, with an example, क्या चाहता है देखो भैया, चलो पढ़ो तो हिंदी में क्या है, यदि वेक्टर ए बराबर जीरो वेक्टर या बी बराबर जीरो वेक्टर, बोलते रहो, तब ए क्रॉस बी बराबर जीरो वेक्टर होता है, क्या विलोम सत्य है, क्या विलोम सत्य है, उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, यही ना जी, ठीक। देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या कहता है कि ए जीरो होगा या बी जीरो होगा तो ए क्रॉस बी जीरो होगा, हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, क्या कर रहा है ये, हम लोग थ्योरी पढ़े हैं ना, यदि ए जीरो या बी जीरो होगा या दोनों भी जीरो होगा तो डॉट प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा और क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो हो जाता है, ये हम लोग परिभाषित किए थे, ये तो सही है, देयर इज नो दिक्कत। लेकिन कहता है कि एक बात बताओ, यदि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा तो क्या ए जीरो होगा बी जीरो होगा ये कोई जरूरी है? ठीक, क्या हो गया देखो जी, यदि ए जीरो या बी जीरो तो बोलो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है और क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो होता है, लेकिन क्या उल्टा सही है या नहीं सही है, यानी कि जब ए क्रॉस बी जीरो होगा तो ए या बी जीरो है, देख रहे हो ना, अर्गो सटा की, यदि ए क्रॉस बी जीरो होगा तो ए या बी जीरो हो सकता है कि नहीं, इस चीज को हम लोगों को एग्जांपल से दिखाना है। आइए हम लोग दिखाते हैं, देखो भैया एक एग्जांपल से दिखाओ, एग्जांपल से दिखाओ, तो ए बराबर ले लो, ए नो ए बराबर ले लो आप इस तरह से, बोलो आई प्लस जे प्लस के, ए बराबर ले लिए और बी बराबर ले लीजिए, तो ए ए लिए ना, तो ए का मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिएगा, बी बराबर ले लीजिए टू आई
प्लस टू जे प्लस टू के, ए बराबर क्या लिए? ये एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल लाखों करोड़ों हो सकता है, हर टीचर का अपना अपना हो सकता है इसमें। मैं ए बराबर आई जे के, बी बराबर टू आई प्लस टू जे प्लस टू के में लिया, ठीक है। अब देखिए तो दोनों का मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा जी, बोलो, आई के बाजू में कितना है? वन स्क्वायर, यानी कि रूट थ्री, जीरो के बराबर नहीं होगा, बोलो नहीं? नहीं। कहने का मतलब ए वेक्टर क्या जीरो वेक्टर हुआ क्या? ए वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं हुआ। नहीं। चलो बी का मैग्नीट्यूड निकालो तो कितना जी, आई के बाजू में कितना है? दो स्क्वायर, दो दो नहीं चार, चार थी बारह, चार थी बारह ना हुआ, टू रूट थ्री, कितना हो जाएगा? टू रूट थ्री, क्या ये जीरो के बराबर हुआ? यानी कि आपका बी वेक्टर भी जीरो के बराबर नहीं है, बी वेक्टर भी जीरो के बराबर आपका नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं है, ना तो ए वेक्टर जीरो के बराबर है और न ही बी वेक्टर जीरो के बराबर। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए तो बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का क्या तरीका है? बोलो आई जे के एनुनु, आई का बताओ जी कंपोनेंट क्या है, आई का वन वन वन, वन वन वन, जे का कितना है? टू टू, वाह। अच्छा बताओ कि ये क्या है, नहीं वैसे सॉल्व मत करो, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज लगाना है, इस रो को दो बार पढ़ेंगे तो ये वाला रो आएगा, आइडेंटिकल ना हो गया, क्या हो गया ये, याद है ना प्रॉपर्टीज, याद है? एक रो को दो बार पढ़ेंगे तो दूसरा वाला आ जाएगा ना, तो दोनों क्या हो गया? जोर से बोलो क्या हो गया, यानी किसका वैल्यू किसके बराबर, चूंकि वेक्टर है तो जीरो वेक्टर हो जाएगा, किसके बराबर? जीरो वेक्टर के बराबर। कहने का मतलब है कि वेक्टर ए भी जीरो के बराबर नहीं है, मतलब इस तरह से समझो, कहने का मतलब है, कहने का मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस बी तो आपका जीरो वेक्टर के बराबर हो गया, बट ना तो वेक्टर ए जीरो के बराबर है और न ही वेक्टर बी जीरो के बराबर है, यानी कि आपका जो है ए क्रॉस बी जीरो हो गया, लेकिन ए क्या जीरो के बराबर है, बी क्या जीरो के बराबर है, यानी कि उल्टा आपका सही नहीं हो रहा, यानी कि उल्टा आपका सही नहीं होता है। लिखिएगा देयरफोर कन्वर्स इज नॉट, यानी कि आपका विलोम सत्य नहीं है, विलोम सत्य नहीं, समझ गए, विलोम सत्य नहीं, हाँ सब तो बन जाएगा। अब तो नहीं बताएंगे, अब सिर्फ लिख देते हैं कौन किसके जैसा बनेगा, और इसका हर एक सोल्यूशन, जैसे 12 है ना क्वेश्चन, 12 का मैं शेयर कर दूंगा लास्ट में, वीडियो बना किसी वीडियो में, ए 9 किसके जैसा बनेगा देखो, तो क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम्पल 24, एग्जाम्पल 24 के जैसा, 10 बोलो, हाँ है ना जी, अरे एग्जाम्पल 25 देखो ना, 25 25 देखो ना जी, 25 ग्यारह बारह बता दे, नहीं 11-12 है ना, सुनो ना 11-12 है ना, 11-12 का हम सोल्यूशन शेयर कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है, आसान है, एक बार अपने से कोशिश करना, बहुत आसान है 11-12, एक बार अपने से कोशिश करना, बना तो ठीक, नहीं बना तो इसी वीडियो के, ये वीडियो आपको कब चलेगा मालूम है, कल कितने बजे से, 10 बजे से लाइव होगा, ठीक है, अच्छा चलो लाइव वीडियो नहीं बना, ठीक है, उस इसी वीडियो का अभी जो चलता है ना, ये वीडियो अभी चलता रहेगा, भले मैं सामने नहीं दिखूंगा,
लेकिन ये वीडियो चलता रहेगा और एक से लेकर 12 तक हर एक का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। पहले आप 11-12 कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने का, नहीं बना तो आप सोल्यूशन को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।